पश्चिम बंगाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो रैलियां, झारग्राम और बांकुरा में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधन। पश्चिम बंगाल के बाद आज असम के गुवाहाटी में भी अमित शाह की रैली, शाम 4:30 बजे गुवाहाटी में शाह की जनसभा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह का मेगा रोड शो, कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष समेत कई दिग्गजों का लगा जमावड़ा। जी हिंदुस्तान पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कि रोड शो की भीड़ परिवर्तन का सबूत, पीएम मोदी की अगुवाई में बंगाल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल की जनता ममता को समझ गई है। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में आज ममता बनर्जी दो चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, व्हीलचेयर पर बैठकर कर रही हैं ममता बनर्जी चुनाव प्रचार। ममता की चोट मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, ममता के डायरेक्टर सिक्योरिटी विवेक सहाय को इसी ने किया सस्पेंड। पूर्व मेदिनीपुर के डीएम को चुनाव आयोग ने हटाया, एसपी को किया गया सस्पेंड। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को जांच कर 31 वार्षिक रिपोर्ट देने को कहा। कोलकाता में व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी ने किया रोड शो, बोली बंगाल के लोगों का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा। कोयला घोटाले में आज सीबीआई के सामने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर की पेशी, मेनका के पति अंकुश और ससुर पवन अरोड़ा भी होंगे पेश। पश्चिम बंगाल के रामनगर विधानसभा में आज नितिन गडकरी बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार, राजीव बनर्जी भी रहेंगे मौजूद। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बंगाल चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, बंगाल में आईएसएफ लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की, इनमें 6 प्रत्याशी तीसरे, 8 प्रत्याशी चौथे, जबकि 3 प्रत्याशी पांचवें चरण के हैं। टिकट नहीं मिलने पर नाराज हुई केरल महिला कांग्रेस अध्यक्ष, अपना सिर मुंडवाकर आलाकमान के खिलाफ जताया विरोध। बंगाल में बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बीजेपी ने 4 सांसदों को मैदान में उतारा। बंगाल में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से दिया टिकट, सांसद लोकेट चटर्जी चुचुरा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। असम में फिलहाल बीजेपी ने 17 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, बीजेपी असम में 92 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तमिलनाडु चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है लिस्ट, तमिलनाडु में बीजेपी 20 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। केरल में बीजेपी 115 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बची हुई 25 सीटों पर बीजेपी गठबंधन के 4 पार्टियां उतारेगी अपना उम्मीदवार। बीजेपी ने मेट्रो मैन श्रीधरन को केरल के पलक्कड़ से दिया टिकट, केरल में बीजेपी ने 4 पार्टियों के साथ किया है गठबंधन। पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, घर में की गई तोड़फोड़, टीएमसी पर हमले का। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पोस्टर लगाने को लेकर हुआ था विवाद। कृषि कानून और महंगाई को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रवासी भारतीय और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर दे सकते हैं बयान। होली से पहले मोदी सरकार किसानों को देगी बड़ा तोहफा, होली से पहले किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त। जम्मू कश्मीर के शोपिया में तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी, कल मारा गया था 1 लश्कर आतंकी, घटनास्थल पर जमा हुई भीड़ ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट आरोपी को आज सुनाएगा सजा, कोर्ट ने आरोपी आरिस खान को दोषी करार दिया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया कुमार समेत 10 की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी, 9 फरवरी 2016 जेएनयू में लगाए गए थे देश विरोधी नारे। टूलकिट केस में निकिता जैकब और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे को एनआईए ने किया गिरफ्तार, वाजे को 24 मार्च तक कस्टडी में भेजा गया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की लहर उड़ी, कांग्रेस और टीडीपी नगर निकाय चुनाव में 74 म्यूनिसिपैलिटी और 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर वाईएसआर का कब्जा। दक्षिण पूर्वी नेपाल में लाहन में बम धमाके में 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, सरकारी दफ्तर में प्रेशर कुकर में रखा गया बम। टिकरी और सिंह बॉर्डर पर आंदोलन को तेज करने में जुटा संयुक्त किसान मोर्चा, कॉर्पोरेट कल्चर के खिलाफ आज किसानों का विरोधी दिवस मार्च। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने बनाए पक्के मकान, गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर लगाने की तैयारी में है किसान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,620 नए मामले आए सामने, जबकि 50 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 407 नए मामले आए सामने, जबकि 2 लोगों की कोरोना से गई जान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत की ताजपोशी पर प्रदेश कार्यालय में आज अभिनंदन कार्यक्रम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी होगा स्वागत और सम्मान।
लखनऊ में आज होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। योगी सरकार के काम गिराने के लिए कार्यक्रमों पर भी लगेगी मुहर। बीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ फिर दिए गठबंधन के संकेत। कहा कि हम हैं तैयार, अब अखिलेश के जवाब का है इंतजार। यूपी में तेज होगा कोविड टीकाकरण अभियान। अब सप्ताह में 6 दिन लगेगा कोरोना का टीका। अभी तक 3 दिन हो रहा था टीकाकरण। देश के कई इलाकों में वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कुरान के आयातों को लेकर उलेमाओं ने वसीम रिजवी की दलील खारिज कर दी। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की पत्नी और बेटे को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटी कार। 200 मीटर दूर जाकर महिला और बच्चे को सड़क किनारे फेंक कर भाग गए बदमाश। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए। लखनऊ में 20 सड़क पर ट्रक में लगी भीषण आग। लाखों के सामान के साथ जलकर राख हुआ ट्रक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपसी विवाद में दबंगों ने छात्र नेता को मारी गोली। पीड़ित काशी विद्यापीठ का है छात्र। यूपी के बुलंदशहर में बाइक टकराने पर बदमाश ने बाइक सवार की चाकू गोद करके हत्या। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। यूपी के जालौन में दबिश के दौरान पुलिस टीम पर हमला। अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। चौकी प्रभारी के सामने सिपाहियों की पिटाई की गई। नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्थक ईडीयू विजन 2021 का किया उद्घाटन। शिवराज सिंह चौहान ने नितिन गडकरी को मैन ऑफ द फ्लाईओवर कहा। एमपी में निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक के फैसले को चुनौती देगी शिवराज सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी एसएलपी। असम में एक बार फिर आमने सामने होंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। भूपेश बघेल भी असम में करेंगे चुनावी सभा। एमपी कांग्रेस में फिर सामने आई गुटबाजी। यूथ कांग्रेस की बैठक में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के रतलाम में शराब के नशे में सड़क पर गिरे कार्यवाहक एएसआई का वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने किया निलंबित। एमपी के मुरैना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दलित कार्यकर्ता के घर तोमर ने खाया खाना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। एमपी के मुरैना जिला अस्पताल से मरीजों का इलाज करता हुआ पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। 2 सालों से जिला अस्पताल में कर रहा था इलाज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 16 दिन बाद अपनी मां से मिला अगवा शिवम। आंध्र प्रदेश ने 6 साल के अगवा बच्चे को बरामद कर परिवार से मिलवाया। बिहार के नालंदा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 31 मुन्ना भाई गिरफ्तार। इनमें 3 महिला भी शामिल। बिहार के छपरा में बाहुबली प्रभुराज सिंह के करीबी धड़ाका सिंह को बदमाशों ने मारी गोली। आपसी रंजिश में हमले की आशंका। झारखंड के चतरा में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने मां की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। राजस्थान के जोधपुर में पवन पुत्र नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का हुआ नुकसान। राजस्थान के किशनगढ़ में रेस्टोरेंट में लगी आग। समय रहते रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। राजस्थान के झुंझुनू में मिनटों ने चोरों ने उड़ाई बाइक। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उदयपुर में कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी झड़प। 4 लोगों ने ईंट पत्थरों से किया युवक पर ताबड़तोड़ हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस ने 30,000 से ज्यादा नशीली दवाइयों को बरामद किया। कई सालों से चल रहा था नशीली दवाइयों का गोरख धंधा। राजस्थान के दौसा में 2 बहनों की शादी को दबंगों ने रोका। दबंगों ने शादी का मंडप उजाड़ा टेंट को उखाड़ फेंका। राजस्थान के सीकर में शराब कारोबारी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पार्टनर्स पर धोखा देने का आरोप लगाया। 2 बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज से 2 दिनों के हड़ताल पर बैंक कर्मी। सिर्फ एटीएम सर्विस रहेगी चालू। भारत के अर्थव्यवस्था पर बढ़ा कंपनियों का भरोसा। इसी हफ्ते 5 कंपनियां लाएंगी अपना आईपीओ। इंजीनियरिंग कंपनी ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक आज खुलेगा आईपीओ। जबकि 16 मार्च को कल्याण ज्वेलर्स, 17 मार्च को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आएगा आईपीओ। बिटकॉइन ने बनाया नया रिकॉर्ड। $60,000 के रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंची बिटकॉइन की कीमत। 1 अप्रैल से ऑनलाइन मिलेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर मिलेगा परमिट। अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारत की जीत। टीम इंडिया में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। विराट कोहली ने टीम इंडिया के कप्तान के रूप में 12,000 रन किए पूरे। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली। ईशान किशन ने डेब्यू T20 मैच में जड़ा अर्धशतक। इससे पहले ये कारनामा अजिंक्य रहाणे ने किया था। जापान टोक्यो ओलंपिक में आने वाले डेलीगेट्स की संख्या में होगी सीमित।
ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों को कोई लेयर की सुरक्षा दरअसल कई लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, ऐसा करने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी बनी भवानी। म्यांमार के यांगून में प्रदर्शनकारियों ने दो चाइनीज कंपनियों को आके वाले किया, सेना ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां, 38 लोगों की मौत। अमेरिका के शिकागो में पार्टी में गोलीबारी, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 15 लोगों की हालत गंभीर। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, महिला की हत्या के बाद परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे थे प्रदर्शनकारी। स्पेन के मैड्रिड से पुलिस ने सबसे बड़े ड्रग्स तस्कर गिरोह के 12 लोगों को पकड़ा, भारी मात्रा में ड्रग्स, 3 लाख डॉलर, पिस्टल और धारदार हथियार जब्त किए। लैटिन अमेरिका देश बोलीविया की पूर्व राष्ट्रपति जुनिन एनेज गिरफ्तार, एनेज पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और फैलाने का। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने किया जोमैटो डिलीवरी बॉय के समर्थन में ट्वीट, कहा कि सच सभी को पता लगना चाहिए। बादशाह के गाने गेंदा फूल पर अपने दोस्तों संग डांस करती दिखी आलिया, डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। फूल के सम्राट ऋचा चड्ढा और वरुण शर्मा की फिल्म फुकरे 3 की शूटिंग हुई शुरू, सीरीज की पहली 2 फिल्में दर्शकों को आई थी सबसे ज्यादा पसंद। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने नई वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग शुरू की, गेम ऑफ थ्रोन्स फेम रिचर्ड मेडन के साथ फोटो हुई वायरल। एक्टर गोविंदा ने लगाया कृष्णा पर अपनी इमेज खराब करने का आरोप, कहा कि मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है कोई। उठे हुए जमीन पर आ रहा था पक्षी, लैंडिंग के वक्त हो गई चूक, जमीन पर आते ही गिरा नीचे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। डॉगी और शख्स का फनी वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, वीडियो में डॉगी शख्स की तरह नकल करता हुआ नजर आया। कमाल के बैलेंस के साथ एक शख्स ने दूसरे शख्स को सिर के बल से ऊपर उठाया, बैलेंस बना के चढ़ा कई सीढ़ियां, दोनों के कारनामे देख लोगों ने बचाई ताली। साइकिल पर शख्स ने दिखाए कमाल के करतब, छोटी सी साइकिल के साथ किए कई करतब, लगातार गोल गोल घूमता नजर आया। शख्स के करतब देख लोग हुए हैरान, एक के बाद एक शख्स कई बार मारता गया गुलाटियां, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। बारिश से रोड पर भर गया पानी तो लोग सर्फ बोट के साथ हो गए तैयार, कंपनी में ही शख्स ने किया शानदार सर्फ। स्केटबोर्ड के साथ महिला ने दिखाई कमाल के करतब, कभी हवा में मारी छलांग तो कभी हवा में घूमती आई नजर, सोशल मीडिया पर हुई महिला की वह हवाही।